दोस्तों अभी बहुत पर बैठा के बात करेंगे बीपीएससी यहाँ पे टीआरई 3.0 यहाँ पर बहाली को लेकर के बीपीएससी के तीसरे चरण की रद्द यहाँ पर जो शिक्षा भर्ती परीक्षा है वो जून में संभव। बात करें यहाँ पर देख पा रहे हो तीसरे चरण की रद्द शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जून में होगी, इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। इस परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच बैठक हुई थी, इसमें कई अहम मुद्दे पर चर्चा हुई। चुनाव के दौरान परीक्षा संभव नहीं है क्योंकि नियोजित शिक्षकों की ड्यूटी भी चुनाव में लगेगी, वही कई नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है। ऐसी स्थिति में 4 जून को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद ही परीक्षा संभव है। तो देख पर परीक्षा यहाँ पर 4 जून के बाद ही यहाँ पर होगी। शिक्षा विभाग और बीपीएससी के सूत्रों की माने तो 7 से 15 जून के बीच परीक्षा होने की संभावना है। परीक्षा जो होगी बीपीएससी की टीआरई 3 की वो यहाँ पर 7 से 15 जून के बीच यहाँ पर होगी। अब बात करें यहाँ पर स्थिति में थोड़ा बदलाव आयोग और शिक्षा विभाग सुविधा अनुसार अपना कर सकते हैं। परीक्षा के लिए काफ़ी संख्या में परीक्षा केंद्रों का चयन यहाँ पर करना होगा, इसके लिए पहले से ही तैयारी करनी होगी। बीपीएससी की ओर से तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए 15 मार्च को दोनों पालियों में परीक्षा ली गई थी, इसका पेपर लीक हो गया था। बताते चले कि ईयू ने 15 मार्च को सुबह हजारीबाग के कुर्रा पद्मा और बरही स्थित कोहिनूर होटल एवं मैरिज हॉल में छापेमारी की थी। इस दौरान पाया गया कि होटलों के कई कमरों में अलावा मैरिज हॉल में 270 से अधिक अभ्यर्थियों को बैठकर प्रश्न पत्र का उत्तर रटवाया भी गया था। मौके से जब्त यहाँ पर किए गए प्रश्न पत्र का मिलान बीपीएससी कार्यालय से प्राप्त प्रश्न पत्र से कराया गया जो कि हुबहू पाया गया, इस वजह से परीक्षा को स्थगित करना पड़ा। तो बात करें यहाँ पर 7 से 15 जून के बीच परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। पेपर लीक के कारण 15 मार्च को बीपीएससी परीक्षा हुई थी वो रद्द करनी पड़ी। बिहार में 30 शिक्षकों की 87,722 यहाँ पे पदों पर दोस्तों होगी नियुक्ति। अब दोस्तों इसको मैं शॉर्ट को बता दूं, सूत्र से हवाले से बड़ी खबर, बीपीएससी टीआरई 3 की पूर्ण परीक्षा जून में होगी, 7 जून से 15 जून के बीच होगी। परीक्षा को लेकर लक्ष्य प्राइमरी से लेकर प्लस टू तक ही स्कूल की परीक्षा होगी, 15 जून तक ले ली जाएगी। जून के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट जून के अंतिम सप्ताह में जारी करने का लक्ष्य रखा गया। शिक्षा विभाग बीपीएससी के बीच बैठक में निर्णय लिया गया। आयोग ने चुनाव के दौरान बताया परीक्षा संभव नहीं, शिक्षकों की लगी है ड्यूटी, परीक्षा केंद्रीय तैयार करना मुश्किल है, इसीलिए प्रश्न पत्र लीक मामले के बाद परीक्षा हुई रद्द। परीक्षा में लगभग 4.5 लाख अभ्यर्थी होंगे इस बार शामिल। तिथि बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम को लेकर और रिजल्ट होकर बहुत और अपडेट। वीडियो को लाइक करें, आगे के अपडेट्स पाने के लिए चैनल से बने रहें।